हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप दोस्तों? मैं आप बहुत खुश हूँ एंड आपके साथ मैं शेयर करने वाला अपनी एक इन्फॉर्मेशन। आप देख चुके मेरा प्रीवियस व्लॉग, तो बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। एंड अभी रिसेंटली मैं उस बॉक्स को अनबॉक्स करने वाला हूँ आपके सामने। तो कैसे हो आप लोगों? मैं हूँ बहुत बढ़िया एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। सो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल गुरु जी वाली फीलिंग आ रही है। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, बटन को दबा दो। कुछ भी फेंक के मारो, कुछ भी करो, लात मारो, घुसा मारो उस पर, कुछ भी करो, बट यस बटन को दबा दो। और लाइक के बटन भी दबा देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स का। सो कीप लाइकिंग दोस्तों एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ वीडियो। अगर लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन पसंद आती है आपको तो उसको शेयर भी कर देना, फैला देना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ये रही अपनी सीजर एंड इसको अब यहाँ से करेंगे कट। खुशी का ठिकाना नहीं है दोस्तों, मज़ा आ रहा है अनबॉक्स करने में। ये कुछ इसका आने वाला है लैपटॉप। अभी अनबॉक्स हो जाता बढ़िया वाला, थोड़ा जोश थोड़ा ज़्यादा हो गया। या वाह, थोड़ा भारी है, मतलब गेमिंग लैपटॉप है थोड़ा तो भारी बनता ही है। चलो करते हैं इसको पहले डब्बे के अंदर, देखते कुछ और बचा है कि नहीं बचा। इसको रखते हैं नीचे। ये अपना चार्जर, चलो चार्जर भी ठीक है। ये अडेप्टर वायरिंग केबल, अडेप्टर वो था, ये वायरिंग केबल है। और क्या है? ये पन्नी वन्नी है। ये इसका यूज़र मैनुअल, चलो इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। बस और डब्बे के अंदर कुछ नहीं है, कंप्लीट खाली। एंड गाइस इसके साथ में एक और ऐसा सीरीज मिली है, मैं दिखाता हूँ आपको वन सेकेंड। एक तो ये बैग मिला है, ज़बरदस्त बैग लगा है मेरे को। गेमिंग बैग है पूरा डेल की तरफ से। और इसके अंदर नहीं, अलग से चीज़ मिली है, लेट मी शो यू। इसका चेयरिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर आप अपना DSLR भी बढ़िया तरीके से रख सकते हो। और ये दिया है उन्होंने लैब केयर का सफारी वायरलेस माउस, ठीक है, बढ़िया है। ये देखो वायरलेस माउस है, इसकी MRP है 650 रुपये के अराउंड। तो अभी यूज़ करके पता चलेगा कैसा चलेगा कैसे नहीं चलेगा। तो बैग और माउस को रखते हैं साइड में। सो गाइस ये है इसका, मतलब इसमें मॉडल नंबर लिखा हुआ है डेल G15 15 55 11। तो कलर तो इसका बढ़िया है, कलर में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, शायद कलर के वेट इसमें कमी आते हैं। सो चलो लेट्स ओपन दिस लैपटॉप। वाओ इट्स अमेजिंग फीलिंग। ये देखा आपने, कीबोर्ड बैकलाइट भी आई है। सो ऑन होगा यहाँ। सो हियर इज़ अ लैपटॉप गाइस। अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस दिखाऊं इधर ही। सो गाइस ये रही इसकी रैम, इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम की इंफॉर्मेशन। मॉडल है डेल G15 5511। डिवाइस नेम आप देख रहे हो, प्रोसेसर इसमें 11 जनरेशन है, i7 कोर जनरेशन। और रैम इसके अंदर 16 GB की रैम है। विंडोज़ इसके अंदर 10 है जो कि अपग्रेडेबल है अभी 11 के लिए, आज इंस्टॉल हुई है। ये रही डेट 12 तारीख। इसके अंदर ऑफिस है, ऑफिस इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस। एंड ऑफिस के साथ साथ इसमें मैक फ्री एंटीवायरस इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है फॉर 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी के साथ, जो कि साथ में आया। सो ये रहा मैक फ्री एंटीवायरस इसके अंदर जो इंस्टॉल्ड है पहले से ही। सो गाइस अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो ये सारे स्पीकर्स है इसके, एक पूरा पैनल है स्पीकर के लिए। कीबोर्ड देख ही रहे हो एक, और इसमें जो बैकलाइट है ये ऑरेंज, ये चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती है बैकलाइट, तो ठीक है। एंड यहाँ पर आगे लिखा हुआ देखो, ये सारी इन्फोज लिखी हुई है जो जो है इसमें। गेमिंग लैपटॉप 20.6 फुल HD, थर्मल कूलिंग, निवेडिया डिस्क्रीट ग्राफिक एंड गेम स्विफ्ट। सो ये सब इसके अंदर फीचर्स है। ये ऑनलाइन ही खोल दिया है। तो इसमें जो निवेडिया का ग्राफिक कार्ड है RTX 3050 Ti 4 GB का, और इसके अंदर 512 GB की इंटरनल स्टोरेज है SSD में। एंड बस विंडोज 10 11, तो ये सब इसके अंदर है कॉन्फ़िगरेशन। और यूज़ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मेरे को बेस्ट इसके फीचर्स लगे। एंड
अभी तो फिलहाल आप ओवरलुक ले लो एक लैपटॉप का, जैसा दिखता है लैपटॉप गाइस। ये देखो यहाँ डेल की बैजिंग है इस साइड पे लोगों की, और बैक साइड पे ऐसा है ये देखो। एंड खोलने के बाद कुछ इस तरीके का है। तो लैपटॉप यूज़ करने में इसका माउस पैड जो है हम ठीक है, फ़िलहाल तो सॉफ्ट टच है, काफ़ी अच्छा है। ये माउस है वायरलेस, इसको भी ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या वारंटी वगैरह है एंड फीचर्स है मैं आपको बताता हूँ अभी पढ़ के थोड़ा सा, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो ये खुलेगा खास, वैसे आ गया माउस अपने हाथ में, एक सेल भी मिला है साथ में, तो ये सेल यूज़ करेंगे इसके अंदर। सो गाइस ये जो है जो USB केबल टाइप है इसको लगाते हैं इस साइड पे। सो गाइस वो जो USB थी वो लग चुकी है इस साइड पे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड ये जो माउस का है, ये माउस का आप देखो ये बैटरी ऐसे लग जाएगी सेल, एंड ये इसका जो कवर है। सेल लगाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑन ऑफ का बटन दिखेगा छोटा सा आपको, तो इसको ऑफ भी कर सकते हो और ये अब ऑन है। तो देखो चल रहा है यहाँ पर माउस और ये रही स्क्रीन, तो ये बढ़िया चल रहा है। सो अभी थोड़ा सा लैग करेगा क्योंकि अभी इसके नीचे पैड नहीं है, मैं पैड लेके आऊँगा अभी एसेसरीज की शॉपिंग करूँगा इसकी, तो ये पैड यहाँ पर आएगा क्योंकि अभी ये थोड़ा सा स्लिपरी है इसलिए वर्क नहीं कर रहा अच्छे से इस पर। माउस भी लैब केयर कंपनी का है, 2.4G वायरलेस माउस ठीक है। तो ये जो है इसका USB काफ़ी टाइट गया है इसके अंदर, मतलब स्मूथ नहीं गया, मुझे लगा इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो ये कुछ इस तरीके से लगता है इस वाले पोर्ट के अंदर। पहले पोर्ट के अंदर लगा, दूसरे पोर्ट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है एंड बहुत टाइटली लगेगा। अगर आपसे नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती करके आपको लगाना पड़ेगा, पर इस तरीके से लगेगा जैसे मैंने भी लगाया। देखो आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, ये देखो लग गया, एंड डिटेक्ट भी हो चुका है। तो अभी कनेक्ट है वायरलेस माउस, ये देखो मैं जो रिकमेंडेशंस है अपडेट्स के लिए अपडेट हो रहा है अभी, जो ऑनलाइन मैंने सर्च करके ही पता किया, तो ये सब ड्राइवर्स अपडेट हो रहे हैं अभी। सो हो ही चुके लगभग, एंड इस पर कितने पोर्ट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ, और चार्जिंग का सॉकेट कैसे ये भी दिखाता हूँ। ये रहा चार्जिंग का, तो ये आपको दिखाता हूँ अभी। इसमें यहाँ पर है ये रहा एक पोर्ट, ऐसे आपको दिख रहा है पीछे पूरा साउंड सिस्टम है। तो इधर दो पोर्ट्स है, एक ये रहा एक ये रहा, एंड बैक साइड पे है पोर्ट्स जो चार्जिंग का भी उधर ही है। ये रहा दोस्तों एक चार्जिंग का ये रहा, एंड दो एक केबल का ये रहा गेमिंग अगर आपको डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है तो, एंड और ये रहे दिखाया तो आपको किस तरीके का है ये। सामने देखो आप, इसमें डेल की ब्रांडिंग है फ्रंट पे, और ये थोड़ी सी अपवर्ड निकली हुई है एंड इसको फील कर सकते हो। और ये पूरा टेक्सचर है, गेमिंग लैपटॉप है कम्प्लीटली, जो कि गेमिंग लैपटॉप्स के साथ ही आता है, तो गेमिंग बैग है, सॉरी पूरा कम्प्लीट गेमिंग बैग है। एंड ये इसके पीछे पूरी बैजिंग है जो कि डेल का ही ओरिजिनल, एंड ये देखो इसके पीछे यहाँ पर पैडिंग है, सॉफ्ट पैडिंग है काफ़ी, और ये बेल्ट दे रखी है इधर। एंड अंदर के कंपार्टमेंट्स अगर आपको दिखाऊं, सो कंपार्टमेंट्स ये रहे कुछ इस तरीके का, इसमें कंपार्टमेंट्स है ये लैपटॉप के लिए, और आगे इधर और भी है पॉकेट्स वगैरह, छोटी छोटी भी चीज़ें हैं। एंड द मेन थिंग इज़ कि ये वाटरप्रूफ भी है, इसके नीचे सबसे बॉटम में यहाँ वाटरप्रूफ ही है, ये पूरा इसको कवर कर सकते हो, वाटरप्रूफ है पूरा, बारिश के टाइम इसको कवर कर सकते हो आप। तो कितना कवर होता है कितना नहीं होता है तो यूज़ करने के बाद ही पता चलता है। तो ये है लैपटॉप गेमिंग बैग, जो कि मुझे अच्छा लगा पर्सनली देखने में फर्स्ट इम्प्रेशन। इस साइड में कुछ पेन ड्राइव वगैरह रखने के लिए। बस गाइस जो प्रीवियस लैपटॉप था वो HP का था, और ये है पेंटियम इनसाइड, तो इसके अंदर पेंटियम कोर प्रोसेसर है एंड स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर लैपटॉप है। और अभी तक इसने मेरा साथ दिया था,
बट्स यू नो इट्स टाइम टू अपग्रेड नाउ, सो अपग्रेड का टाइम आ चुका है तो इसलिए फिर अपग्रेड करना पड़ा। HP का लैपटॉप मैं ले सकता था बट HP में जो चीज़ें थी कुछ स्पेसिफिकेशंस कम थी एज़ कम्पेयर टू डेल इसी प्राइस रेंज के अंदर। वो जो मॉडल था HP का, मैं जो मॉडल देख रहा था आपको बता सकता हूँ, वो मेरे रिलेटिव ने सजेस्ट किया था, तो थैंक्स, अ बिग थैंक्स टू देम, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं ये लैपटॉप ले पाया हूँ डेल वाला। क्योंकि डेल और HP में बहुत कन्फ्यूज था, इनफैक्ट एक लेनोवो का भी था, तो लेनोवो वाला जो था वो भी मेरे को थोड़ा स्पेसिफिकेशन से कम लगा। तो बेस्ट वन आउट मेरे रिलेटिव जो जिया जी है उन्होंने निकाल के दिया, डेल वाला बेस्ट है, तो मैंने फिर परचेज़ कर लिया। चार लैपटॉप्स गाइस जो मेरे को जीजू ने सेलेक्ट करके दिए थे, तो मैंने उसमें से बेस्ट वन आउट चूज़ किया डेल, तो उन्होंने भी कहा ये बढ़िया लैपटॉप है डेल का। तो वो चारों के नीचे मैं आपको मॉडल्स दिखा रहा हूँ नीचे की तरफ, तो ये बहुत अच्छा सजेशन मिलेगा आपको, क्योंकि वो IT फील्ड में है प्रीवियस 25 ईयर्स से, तो उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया ये सारे लैपटॉप्स। तो आप नीचे लिख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है सबके। एंड ये लैपटॉप भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। सो इस लैपटॉप के अंदर अभी कोई हैंगिंग इशू नहीं है, एंड इसमें मतलब बेसिक लैपटॉप था ये, बहुत अच्छा चला है, 2016 का मॉडल है, अभी भी बहुत बढ़िया चल रहा है। ये लैपटॉप भी बढ़िया चल रहा है, इसका कोई हैंगिंग इशू नहीं है, ना ही कोई लैकिंग इशू है, और बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका, तो बढ़िया चल रहा है लैपटॉप अभी तक। 2016 का मॉडल है ये और मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था उस टाइम पे, तो अभी तक तो ठीक ही चल रहा है, काम आ जाता है, बट अब मैं इसका थोड़ा कम यूज़ करूँगा, तो लेट्स सी इसको मैं क्या यूज़ करता हूँ, नहीं तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा आने वाले टाइम में जल्दी, क्योंकि फिर ये यू नो बेकार हो जाएगा, यूज़ करूँगा नहीं इसको, क्योंकि मैं डेल वाले को ज़्यादा यूज़ करूँगा, तो देखते हैं। दैट्स इट्स फॉर द वीडियो, एंड मिलते किसी नई वीडियो के साथ। की स्पेसिफिकेशन आपको बता चुका हूँ जो भी इसके अंदर है, और जो साथ साथ बॉक्सिंग में आता है, अनबॉक्सिंग कंप्लीट अनबॉक्सिंग हो चुकी है इसकी आप लोगों के साथ, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट दिखाइए अपना, एंड इसकी जो रिव्यू होगा बिल्कुल 1 month रिव्यू या फिर 6 month रिव्यू मैं क्या शेयर करूँगा आने वाले टाइम में। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे लाल बटन आ रहा है, एंड वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इस वीडियो पे एम करते दोस्तों 100 लाइक्स का, सो लाइक करके ज़रूर जाना। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऐसे अपना प्यार दिखाते रहो और सपोर्ट करते रहो। बहुत जल्दी गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ, तो अपडेट के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे ID आ रही इंस्टाग्राम की, इस पर फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ पर सारी लेटेस्ट अपडेट्स रहती है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।